हेलो जी, तो ये देखिए हो गई करवे की तैयारियां। आप भी मेंशन कीजिएगा आपके यहाँ कैसे कैसे तैयारियां हुई। यहाँ परियां बैठी हैं। हाय। कोई पुरानी परी कोई नई परी। हाय। मेरे बच्चे तो याद है। ये सभी लेडीज के जो है टीका लगाया जा रहा है, मांग में सिंदूर लगाया जा रहा है। आपके यहाँ भी ऐसा होता है, मेंशन कीजिएगा। ये सब चलेगा यहाँ पे थोड़ा, और अब इसके बाद कथा विधि शुरू हो जाएगी। आइए जानते हैं कि क्या है करवा चौथ व्रत की सही विधि। करवा चौथ सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत रखने का संकल्प ले और सास द्वारा भेजी गई सरगी खाएं। सरगी में मिठाई पर उसे वही पूरी। सॉरी गाइस, ये बाहर के एक्स्ट्रा आवाज लग रही है, डॉगी वगैरह की। से बना भोजन ना खाएं। सरगी करने के बाद करवा चौथ का निर्जल व्रत शुरू हो जाता है। वहाँ पार्वती, महादेव, शिव व गणेश जी का ध्यान पूरे दिन अपने मन में करती रहे। दीवार पर गेहूं से फलक बनाकर इसे चावलों के घोल से करवा चित्रित करें। इस चित्रित करने की कला को करवा धरना कहा जाता है, जो कि बड़ी पुरानी परंपरा है। आठ पूड़ियों की अठावरी बनाई, हलवा बनाए, पके पकवान बनाए, फिर पीली मिट्टी से माँ गौरी और गणेश जी का स्वरूप बनाइए। माँ गौरी की गोद में गणेश जी का स्वरूप बनाइए, बिठाइए। इन स्वरूपों की पूजा संध्या काल के समय पूजा करने के काम आती है। माता गौरी को लकड़ी के सिंहासन पर बिरा दे और उन्हें लाल रंग की चुनरी पहनाकर अन्य सुहाग श्रृंगार पूरा दिन डॉगी चुप रहता है, और जब जहाँ कोई काम होता है घर चुप होना चाहिए, भानी होता है। क्या कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है। मिट्टी का टोंटीदार करवा ले, गेहूं और ढक्कन में शक्कर का पूरा भर दे, उसके ऊपर दक्षिणा रखें, रोली से करवे पर स्वस्तिक बनाए, गौरी गणेश के स्वरूपों की पूजा करें, इस मंत्र का जाप करें, नमः शिवाय सर्वाणि सौभाग्यम प्रसन्ति शुभम प्रयच्छ भक्ति युक्ता नाम नारी नाम हर वल्लभ है। ज्यादातर महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित कथा के अनुसार ही पूजा करती हैं। हाँ, ये सही है। हर क्षेत्र के अनुसार पूजा करने का विधान और कथा अलग अलग होता है, इसीलिए कथा में काफी ज्यादा अंतर पाया गया है। अब करवा चौथ की कथा कहानी या फिर सुननी चाहिए, कहनी या सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद आपको अपने घर के सभी वरिष्ठ लोगों का चरण स्पर्श कर लेना चाहिए। रात्रि के समय छननी के प्रयोग से चंद्र दर्शन करें, उसे अर्घ प्रदान करें, फिर पति के पैरों को छूते हुए उनका आशीर्वाद लें, फिर पति देव को प्रसाद दें, तो प्रसाद देकर भोजन करवाएं और बाद में खुद क्या मिला? दूध पुत्र धन लक्ष्मी, भगवान सबको दे, ये भी दे सबको दे, दूध पुत्र धन लक्ष्मी, दूध पुत्र धन लक्ष्मी। ओहो, अब ये देखिए अपनी मेहंदी का पूरा दिखावा करते हुए अब सब सारी की सारी महिलाएं, मतलब पूरे शौक करवा चौथ, हैप्पी करवा चौथ, हैप्पी करवा चौथ। गाइस ये देखो बिना गाने के डांस हो रहा है यहाँ पे। तो क्या हुआ, स्पीकर नहीं है तो हमारी आंटी कम थोड़ी है सिंगर से। ये परियां निकल रही हैं अंदर से। अरे इधर इधर। और ये सोन परी निकली, और ये पंजाबन परी है, ये शर्मा परी है। आ रहे, कैसा लग रहा है?
अच्छा भूख लग रही है, भूख लग रही है, लग रही है अभी, भूख नहीं लग रही, प्यास लग रही, कंट्रोल किया हुआ है, प्यास लग रही है, हमें तो बड़ा मजा आ रहा है, हमें सबको मजा आता है। अब हम बर्फी खाएंगे, बर्फी खाओगे तो इसी के साथ एंड करते हैं अपने करवा चौथ ब्लॉग का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए, और कमेंट में मेंशन कीजिए आपको क्या क्या गिफ्ट्स मिले। आओ भाई एक एक करके आओ।